अर्पण किया। कोरोना काल में जो कार्य भी कराए गए थे वे सभी कार्य पूर्ण कराए जाने हैं। इसको लेकर 20 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया गया, जो कि 1,64,00,000 रुपए की लागत से पूरे किए जाएंगे। इसके अलावा 14,000 करोड़ रुपए से पीलीभीत मथुरा हाईवे का निर्माण कराया जा रहा है, जिससे राया ब्लॉक में लगने वाले जाम से लोगों को निजात मिलेगी। 7.5 करोड़ रुपए से 84 कोस परिक्रमा मार्ग का सौंदर्यीकरण किया जा रहा है। सांसद हेमा मालिनी ने बताया कि फिलहाल नगर निगम, नगर पालिका, नगर निकाय के चुनाव होने हैं, इस वजह से शहरी क्षेत्रों में कार्य कराए जा रहे हैं। इसके बाद ग्रामीण क्षेत्रों में भी सांसद निधि से विकास कार्य कराए जाएंगे। शुक्रवार को मथुरा की सांसद हेमा मालिनी के द्वारा 20 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण फीता काट कर किया गया। इस दौरान मथुरा के नवागत CDO मनीष मीणा भी मौजूद रहे। ललित उपाध्याय, मथुरा समाचार 24। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के विकास के लिए दिया जा रहा है और उसका उद्घाटन अभी कराया हमने 20 स्कीम्स के। इससे पहले कोरोना की वजह से हम नहीं कर पाए, काफ़ी स्कीम्स थे बड़े बड़े लेकिन निधि भी नहीं मिल रहा था, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा था। लेकिन उस वक्त भी हमने केंद्र सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार से कहकर 14,000 करोड़ का एक मथुरा पीलीभीत का एक हाईवे रोड बन रहा है, नेशनल हाईवे, उसका हमने स्वीकृति कराया है। उसका DPR भी बन रहा है और इसके साथ साथ 84 कोस परिक्रमा मार्ग का भी स्वीकृति कराया है, वो भी बहुत जल्द वो स्टार्ट होने वाला है। और ये ग्रामीण क्षेत्र में जितने भी प्रॉब्लम्स जो कह रहे हैं ना, गांव का ये कनेक्टिविटी नहीं है, वो जो तीर्थ 84 कोस परिक्रमा के साथ साथ वो सारा काम निपट जाएगा, तो यही हम आश्वासन दे रहे थे। और ये चुनाव के बाद जितना भी जो हमारे सांसद निधि होगा वो ग्रामीण क्षेत्र में यूज़ किया जाएगा। कितनी की लागत से कराई गई? अभी 1.5 करोड़।